सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड गाइज, देखिए आप पे डिस्कस करने वाला हूँ क्या आपका इंडियन एयरफोर्स स्पेस सेकेंड का रिव्यू गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे भी इस बार एक नया एस्पेक्ट पता चल के आ रहा है गाइज। काफ़ी सब कुछ बताया गया है, कैंडिडेट ने सारा कुछ शेयर किया, A to Z फुल प्रोसेस। और वैसे तो दो सेंटर्स का है, बट बेसिकली अपने को यहाँ पे दोनों का डिस्कस कर लेंगे। एंड काफ़ी कुछ देखिए, एक नया टेस्ट भी इंक्लूड हुआ है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारा का सारा यहाँ पे कैंडिडेट ने शेयर किया है। एंड गाइज, उनका यहाँ पे एग्जाम मतलब फेस सेकेंड का एग्जाम क्रैक हो चुका है। सो गाइज, बिना टाइम लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तो बता ही सकते हो ना। आपके लिए भाई इतना करता हूँ, तो आप तो प्लीज़ मेरे साथ में इतना कर ही सकते हो कि कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब बात जाती है भाड़ में, ठीक है। तो देखिए, कॉम्पटी पे मैंने पोस्ट किया था, 120 कमेंट आया और 120 कमेंट में किसी ने अपना नंबर नहीं शेयर किया, 7 नंबर वाले। कोई बात नहीं, अभी मैंने कुछ दिनों पहले बोला था क्या, चलो वहीं पे दिखाता हूँ। सो गाइज, था क्या सीन मैं बता दूँ। गाइज, मैंने इंस्टा पे कुछ दिन पहले बोला था कि मुझे फॉलो करो, बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉलो किया, उसका नतीजा क्या निकल के आया गाइज, मुझे रिव्यू वहीं पर मिला। चलो दिखा देते हैं आपको, आते हैं यहाँ पे इंस्टा पे और चलते हैं। सो गाइज, सबसे पहले बताना चाहूँगा, आप भी फॉलो कर लेना इंस्टा पे। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इससे रिलेटेड अदर थिंग भी आपको जाननी है, तो इंस्टा पे आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। चौहान अंशु, यह लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 29 आप मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलो रिव्यू पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। गाइज, यहाँ पे आप केवल नहीं, कम से कम 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुझसे बात करते हैं और मैं हर एक के क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूँ। यहाँ पे दो कैंडिडेट्स ने अपना रिव्यू शेयर किया, एक तो नीरज वर्मा ने इसी पे शेयर किया है एंड दूसरा जो शेयर किया है वो छत्री कन्हैया ठाकुर ने यहाँ पे शेयर किया है। तो पहले तो चलो नीरज वर्मा का देखते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से भाई ने शेयर किया है। तो देखिए यहाँ पे पहला तो यहाँ पे इन्होंने देखिए इमेजेस वगैरह भी शेयर किए हैं, तो आपको दिखा देते हैं। वैसे ये देखिए भाई, ये हैं जिन्होंने शेयर किया ये। एंड नेक्स्ट थिंग, और भी इमेजेस आई थिंक हैं आपके साथ में। ये देखिए 270 नंबर इनका चेस्ट था, और उसके बाद सब कुछ लगा दिया इन्होंने। ये देखिए उनका इमेज है, मुंबई का यहाँ पर रिव्यू होने वाला है। और गाइस, सबसे बड़ी बात बताऊँ, इस बार एक और टेस्ट हो रहा है जिसे हम SRT के साथ में, जिसमें 30 मिनट में 45 क्वेश्चन तो करने ही थे, साथ में इंग्लिश का टेस्ट भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें से गई देखिए मतलब आपको टाइम मिल रहा है। और टाइम में देखिए, पहले देखो इन्होंने पहले मुझसे बहुत पहले बात की थी, हाय ब्रो मुझे अपना नंबर सेंड करो। इन्होंने बोला था 7 को मेरा एयरफोर्स का फिजिकल है 6SC मुंबई में, कुछ इंस्ट्रक्शन लेना था। तो मैंने बाद में रिप्लाई इनको किया, हाय बताओ मैं हूँ ना बताने के लिए, तुम में बताओ प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। गई देखिए बहुत सारे एकदम से आप अब सभी अगर फॉलो करते हैं, अपने क्वेश्चंस कर देते हैं, ज़रूरी थोड़े मैं उतने टाइम एक्टिव हूँ, ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ सभी का। तो फिर उन्होंने सीधा कल शाम को ईमेल सेंड किया, देखिए उसके बाद 6SC मुंबई। यस भाई बताओ, मैंने कहा फेस सेकेंड हो गया क्या आपका, भाई रात को मैं ही था, मतलब इन्होंने कल शाम को कॉल किया था, मैं था विजी, तो मैंने इनका कॉल रिसीव नहीं किया। ऑनलाइन एजुकेशन वाले हो ना, यस भाई आपने कॉल किया था, हाँ तब भाई मैं बिजी था, रुको कॉल करता हूँ। तो टोटल कितने थे, अब मैंने पूछा तो देखिए टोटल इनका जो रिपोर्टिंग था 285 का रिपोर्टिंग था, 265 प्रेजेंट थे, अच्छी बात है। फिर भी ज़्यादा यहाँ पे एबसेंट नहीं हुए, केवल 20 कैंडिडेट ही हैं जो एबसेंट हुए हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। यस भाई, और अच्छी बात है भाई, अगर आपके एक नंबर कम है ना फिर भी फेस सेकंड देने जाना, मैं आपको अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो, जिनका 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया रनिंग और पुशअप के लिए, ओके यस भाई, फिर 265 में अप्रॉक्स 35 बंदे बाहर हो गए रनिंग और पुशअप्स वगैरह में। गाइस देखिए बहुत कम कैंडिडेट यहाँ पे बाहर हुए हैं इस पे फेस सेकंड पे रनिंग एंड पुशअप्स पे। अभी बैंगलोर सेंटर के कैंडिडेट ने शेयर किया, उसमें से 300 में 100 कैंडिडेट बाहर हुए हैं, जबकि मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रनिंग पे बाहर होते हैं इंडियन एयरफोर्स फेस सेकंड पे। बच्चे 330 मतलब 230 बच्चे, अच्छा भाई फिर मैंने कहा डॉक्यूमेंट में तो कोई ज़्यादा बाहर नहीं हुआ, अब SRT एंड इंग्लिश के क्वेश्चन दिए करने के लिए, तो मैं तो यहाँ पे गई शॉक हो गया कि अरे यार SRT एंड इंग्लिश के क्वेश्चन दिए, ये तो मुझे नहीं पता था ना, अभी तक तो था नहीं, लास्ट टाइम का मुझे अच्छे से पता है। और 12th का एडमिट कार्ड का क्या रहा, ये पूछा था मैंने, तो भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये पूछना था मुझे, कि अभी तो भाई इनको 12th का एडमिट कार्ड दिया है, कैंडिडेट के पास है नहीं, जिसमें इन्होंने बोला 15 मिनट में 20 क्वेश्चन इंग्लिश एंड 30 मिनट में SRT। तो गाइस देखिए 20 क्वेश्चन इंग्लिश के करने हैं 15 मिनट में, और अगर बात करते हैं 30 मिनट में SRT, तो SRT का वही गेम है, बट अभी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ईजी आ रहे हैं।
अब गाइस देखिए इंग्लिश के क्वेश्चंस का क्या है यहाँ पे कि इंग्लिश के क्वेश्चंस भी इन्होंने शेयर किए हैं। मैं तो यहाँ पे थोड़ा शॉक रह गया कि भाई ये पता नहीं क्या सीन निकल के आ रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, 12th का एडमिट कार्ड नहीं चेक हो रहा। मैंने बोला था कि एडमिट कार्ड चाहिए ना, उसमें लिखा हुआ है एडमिट कार्ड चाहिए, बट इन्होंने बोला कि एडमिट कार्ड नहीं चेक हो रहा है। हाँ, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मस्ट है, तो वो तो भाई चाहिए ही 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बिना तो फिर आपका फिर सेकेंड CVS बना देंगे। अच्छा भाई, फिर इंग्लिश और SRT के क्वेश्चंस अलग अलग दे रहे थे। हाँ है, तो मैंने बोला न्यू पैटर्न लाया गया है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के SRT के। ओके गाइज, तो देखिए इंग्लिश का मतलब नया पेपर, मतलब नया पैटर्न गाइज हो रहा है। तो 15 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे करने हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसमें कितने कैंडिडेट को आउट किया मैंने पूछा। अच्छा भाई, तो उसने कितने आउट किया ये मैंने पूछा, तो अबाउट 15। तो गाइज देखिए उसमें भी 15 कैंडिडेट्स को यहाँ पे आउट कर दिया गया। अभी मतलब इनके कहने का मतलब है टोटल 265 का रिपोर्टिंग था SRT एंड मतलब जो फिजिकल होता है। उसके बाद इनका जो टोटल बैच बचा वो 202 कैंडिडेट्स का यहाँ पे बचा था। चलो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने पूछा मीन्स 81 के बाद 202 बचे थे भाई, फिर GD हुआ? तो उन्होंने बोला हाँ। उसके बाद SRT का रिजल्ट आने के बाद गैस देखिए SRT का रिजल्ट आने के बाद उनको क्लैप करवा के बाहर कर दिया गया। ये तो होता ही है गैस, मोटिवेट करते हैं कि वेल डन गाइज, आप यहाँ तक आए और आपने इतना किया और आप ऐसे और कर सकते थे, आप उनसे बेटर हैं जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे पता है क्योंकि मैंने वहाँ तक गए, मैं अच्छे से 2-3 बार मैं वहाँ तक गया हूँ, अच्छे से मैंने क्लियर भी किया है। तो मुझे पता है जो फेल भी होते हैं उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं वो लोग जो नहीं पास थे। फिर उसके बाद लंच ब्रेक हुआ। अच्छा भाई, फिर GD का क्या सीन रहा ये मैंने पूछा। तो फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना था जो नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचे थे। कह देखिए अगर साउंड का प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, बट बेसिकली अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि मैं आपके लिए वीडियो ही शूट कर रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना था जो नेक्स्ट स्टेज पर पहुँचे थे। हाँ, ये तो बहुत करते हैं वो लोग, तो ये तो बहुत सिस्टम है, आप थक जाओगे इतना वेरीफाई आपसे करेंगे। अभी नहीं तो ज्वाइनिंग टाइम, अभी तो करेंगे, ये ज्वाइनिंग पे भी बहुत करते हैं। GD में 22 CSE में मॉडरेट हो रहा है। GD वगैरह गाइस मॉडरेट हो रहा है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट मॉडरेट का मतलब समझते हो ना कि इजी नहीं हो रहा है। तो उनको प्रॉब्लम्स होंगी जो थोड़ा कम स्पीक कर पाते हैं, बट दिक्कत की कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अच्छा भाई, कितने का ग्रुप बनाया आपका, GD टॉपिक्स क्या रहा, ये सारा का सारा कुछ मैंने पूछा। अगर फिश मार्केट बन रहा हो तो उसमें शामिल नहीं हूँ गाइज, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो हमेशा मैं बताता रहता हूँ, अगर ग्रुप आपका अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो तो शांत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर ज़्यादा चक्कर चक्कर ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वाले घुस जाते हैं ना, ज़्यादा मतलब बोलने लगते हैं, ज़्यादा मतलब स्मार्ट बनने का, तो वो नहीं बनेगा अपने को। अपने को केवल स्पीक करने का, बिल्कुल फ्लुएंटली अच्छे से बोलने का। ओके, मैंने यही किया था। तो अगर आपको 1 से 1.5 मिनट मिले स्टार्टिंग में, उसमें इंप्रेशन जमा लो गाइस। देखिए 1 से 1.5 मिनट का मतलब क्या है, पहले अपने को इंट्रो देना होता है, उसी में टॉपिक के बारे में बोलना होता है, वही की बात यहाँ पे ये बोले इन्होंने। अच्छा भाई गुड, GD टॉपिक था मेरा मोबाइल फ़ोन। एक बात बताऊँ गाइस, टॉपिक्स वगैरह एयरफोर्स ज़्यादा टफ नहीं पूछता कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स पूछता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है मोबाइल फ़ोन। अभी मैं अगर अपने यूट्यूब चैनल पर मोबाइल फ़ोन टॉपिक को कराऊंगा ना, लड़के शर्माएंगे, अरे भाई क्या टॉपिक कराता है वो, कराना चंद्रयान सेकेंड, ऐसा बोलेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं करा रहा हूँ, चंद्रयान सेकेंड भी कराऊंगा, बट कोई सपोर्ट नहीं करता तो मैंने काटा। इंट्रो देने का कुछ टिप्स बोला, देने को कुछ टाइम बोला, ठीक है। अच्छा गुड टॉपिक, इफेक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन ऑन यंगस्टर्स ये पूछा था, इफेक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन ऑन यंगस्टर। आपको कॉन्ग्रेट्स भाई, और GD टॉपिक्स थैंक्स भाई। नेक्स्ट बैच वालों का था वन नेशन वन इलेक्शन, कि भाई एक राज्य में एक, ठीक है गाइस, तो देखिए वन नेशन वन इलेक्शन तो आपको कंप्लीट करना है टॉपिक। उसके बाद अच्छा भाई कुछ नया, तो और आपने बहुत हेल्प की उसके लिए थैंक यू, 20 फॉलो। ओके, और हाँ, अगर GD में तुम्हारे अगल बगल के लड़कों के नाम पूछ रहे थे गाइस, वो पता है इंट्रो जब लेते हैं ना तो एयरफोर्स में होता है टीम, बताते हैं आपसे पूछेंगे टीम क्या होती है। टीम वो होती है जिसमें आप एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे का नाम अच्छे से परखते हो, ये नहीं कि ओए 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 मतलब ऐसे आप किसी को कॉल कर रहे हो। वहाँ पर टीम का मतलब ये है कि आप जानते हो, जैसे कि आपके बगल में बैठा है राघव, राम या फिर हरी, जो भी बैठा है आपको उसका नेम पता है कि नहीं पता, ये होता है टीम, ठीक है। नहीं, हमसे जब मैं बताऊँ, एक अपना याद आया मुझे, जब मैं था 3SC कानपुर चकेरी पे, तो मुझसे भी पूछा गया था, सब पूरे बैच से पूछा गया था, पूरा बैच में कोई नहीं बता पाया था टीम क्या होता है। सभी ने अपना अपना बताया था कि भाई क्या होता है, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं था, फिर उन्होंने यही बताया जो मैंने बताया। तो इसलिए हम लोग नाम याद कर लिए पहले से ही, भाई ने नाम याद कर लिया, क्योंकि होगा क्या इनका दूसरा तीसरा बैच होगा, पहले वाले बैच आके कैंडिडेट बता देते हैं ना। और पूछ भी ये SRT वाला फिर से क्लियर करो, मैंने पूछ लिया। तो टोटल कितने क्वेश्चन थे SRT के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, जो कि 15 मिनट था।
और उसके बाद गाइस देखिए 45 क्वेश्चन आरटी के जो कि 30 मिनट में करना था, ये ठीक है। इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इंग्लिश कैसी थी मैंने पूछा, कुछ नंबर लाना कंपलसरी है क्या इंग्लिश में, तो उन्होंने बोला वन वर्ड वाज सब्स्टिट्यूशन, वन साइनोनम, वन एंटोनिम, वन इडियम, एक फ्रेसेस एडियम एंड प्रीपोजिशन, दो क्वेश्चन टेंस के, दो क्वेश्चन। गाइस ये इंग्लिश का इस बार नया सेक्शन निकल के आ रहा है भाई, इंग्लिश पढ़ के जाओ, पढ़ो इंग्लिश, पढ़ो पढ़ो। अच्छा भाई पेपर टाइप में वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, विच कैन बी ईट ईटन, आई थिंक इडेबल होता है, आई थिंक क्या इडेबल होता है। अच्छा भाई इडियम था एट द निक टाइम, निक टाइम मतलब जस्ट इन टाइम, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे, कल जैसे कि रोहित शर्मा बिल्कुल धड़ाधड़ सिक्स मारे ना उसी टाइप पे। डिक्रीज का साइनोनिम, डिक्रीज मतलब होता है किसी को कम करना, आई थिंक पॉस्थ्यूमस होता है, जैसे कि किसी के फादर ना हो ऐसा होता है, ठीक है। वन हु बॉर्न आफ्टर द चाइल्ड ऑफ डेथ फादर, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा भाई नॉर्मल क्वेश्चन था जो कि हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, गाइस बेसिकली सिंपल से क्वेश्चन थे। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कहा, अच्छा भाई फिर सबसे इम्पोर्टेंट पर जीडी बोलते रहो, नहीं आपने से बोलो, मतलब बोलते रहो कुछ ना कुछ बोलते रहो। थैंक्स अ लॉट टू शेयर योर रिव्यू विथ मी, और जितना अच्छा हो सके। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये भी पॉइंट आपको थंबनेल पे लगा दूंगा। ट्यूब के ये देखिए उनका इमेज है, आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये, और उसके बाद ये देखिए उसका टू ए मतलब सिक्स ए सी मुंबई का इमेज है, ठीक है। उसके बाद ओके भाई, और यहाँ पे देखिए गाइस, और नेक्स्ट छत्री कन्हैया ठाकुर ने भी यहाँ पे शेयर किया था, तो ये देखिए काफ़ी कुछ है, ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है इनका, क्योंकि अभी इन्होंने कोची वाले सेंटर का शेयर किया है, और इसके बाद अभी मुंबई सेंटर का, मुंबई का नहीं बेंगलोर सेंटर का आपको दिखाता हूँ। देखिए वो हाँ देखो एक सेकेंड, देखिए वो और कुछ भाई, तो ये तो ऊपर जो बात हुई कोची सेंटर का था, देखिएगा इस वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर कोई लाइक नहीं करेगा, मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं हुई भाई। मेरा एक और फ्रेंड है जिसका बेंगलोर सेंटर था, उसका क्लियर हो गया है, बट उससे मेरी बात नहीं हुई अभी, जब बात हो जाएगी तब बता दूँगा, ओके थैंक यू। वो बता रहा था कि फिजिकल में काफ़ी लड़के आउट हो गए थे, अप्रॉक्स 100-300 में से, ठीक है। ये देखो, और ये देखिए एक मुंबई सेंटर का है जो जीडी टॉपिक्स बता देता हूँ, बाद में इसे शेयर करूँगा, चलो बाद में ही बताता हूँ। वीडियो जैसा लगा हो आप बता सकते हो, आप भी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे कैंडिडेट्स का मैं यहाँ पे करता हूँ रिप्लाई, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। अंशु चौहान के नाम से आपसे मिल जाऊँगा, और भी कोई क्वेरी हो भी झिझक आज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब लगते बाय बाय, जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम।